रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, खुश रहें। अब आप पहले जल्दी से मेरी वीडियो को कर लें लाइक, और चलनी है जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। आज गुल शकर के किचन में बनने लगा पिशावी मट बीफ पुलाव। वाह, इतना मज़े का यमी, आपको क्या बताऊँ, आप देखेंगे खाएंगे खाएंगे, वाह मज़ा ही आ गया। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए प्रेशर मैंने चढ़ा दिया, मीडियम मैंने इसकी हीट रखी है, और इसमें जाएगा ये हमारा बीफ। जो बीफ आपने लेना थोड़ा सा फैट वाला लेना, फिर आपका बनेगा मज़े वाला यमी पुलाव। ओके, ये डाल दिया हमने, ये मैंने लिया है 1 kg, और इसमें ये जाएंगी ब्लैक पेपर्स, ये देखिए 5 से 6, और साथ ही इसमें जाएगा आनियन। ये मैंने एक लिया छोटा सा बेबी सा आनियन लिया, उसे मैंने कट कर लिया, और ये साथ जाएंगे गार्लिक के, ये देखिए इतने जाएंगे, इसकी कलियां जाएंगी, और साथ इसमें जाएगा साल्ट 1 tablespoon साल्ट जाएगा, और जाएगा सूखा धनिया 1 tablespoon, साथ ही वाटर जाएगा 5 से 6 कप। ये देखिए माशाल्लाह, अभी हम करते हैं मिक्स, और हम इसे स्टीम देंगे। आप पता है कितने में? 30 मिनट्स दूंगी, क्योंकि जो बीफ होता है ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये अच्छे वाला बीफ है, आई होप जल्दी होगा टेंडर। ये मैंने 5 से 6 कप ऑयल ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। अब ये हम रख देंगे, जब इसकी स्टीम बनेगी टाइम देख लेंगे, 30 मिनट्स रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये मैंने रखे हैं 30 मिनट्स, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह टेंडर हो चुका है मेरा गोश्त, ये देखिए हो गया। अब हम बनाते हैं राइस। तो देखिए राइस ये देश का राखी है, इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया, और इसमें मैंने आनियन एक साइज का ऐड किया। अब हम इसका इसे गोल्डन ब्राउन करते हैं। जैसे गाय मेरा हो चुका है ब्राउन, अब जाएगा कलर निकालते, इसमें जाएंगे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जिंजर और ये है गार्लिक, ये साल्ट है, ये मिक्स मसाला है, इसमें एवरीथिंग है। ये मैंने 2 टेबल भर के लिया मिक्स मसाला, साल्ट 1 tablespoon लिया, क्योंकि पहले मेरे मीट में साल्ट आ रही है। ये हल्दी लिया 1 teaspoon, ये लिया 2 ली मैंने लिया कड़ी पत्ते को, 1 tablespoon भर के लिया मैं सूखा धनिया, और ये लिया ग्रश चिली, ये भी मैंने लिया 1 टेबल भर के लिया वेड हो गई। ये थोड़ी सी मीट में जाएगी वो आपको मैं बताती हूँ। ये सारा मीट जो बीफ है ना, मैं निकाल के इसे ग्राइंड में डालूंगी। मैंने जिंजर गार्लिक डाला था और साथ स्पाइसेस डाले थे, अच्छी तरह से भून लिए। अब इसमें जाएगा वो स्टक बीफ स्टक सारा, इसमें ऐड करती हूँ मैं। गाइस ये सारा बी स्टाफ इसमें चला गया, ये 4 ग्लास थे मेरे चावल, और इसमें मैंने वाटर ऐड करना है 6 ग्लास। ओके, ये 4 चले गए, एक पहले मैंने ऐड कर लिया था, एक अभी और मैं कर दिया।
जब तक इसे बॉयल आता है उधर हम मीट रेडी करते हैं। इसमें हम करेंगे ये जो स्पाइसेस मैंने रखे थे बचा के ये सारे इसमें ऐड करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा ऑयल, एक बड़ा स्पून भर के मैंने ऑयल ऐड किया है। इसे हम भूनते हैं अच्छी तरह, यानी फ्राई करते हैं। हम दूसरा स्पून ले लेती हूँ, मैं जाएगी मिर्च मोटी वाली, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह हमारा भून चुका है, इसे करते हैं क्लोज और इधर हमारा वाटर भी हो जाए। और सरिया में जाएंगे राइस, अब साल्ट इसका चेक कर लेते हैं। डन, अब इसे कवर करते हैं और फ्लेम है मीडियम हाई, अब ये कुक होते हैं। चेक करते हैं अपने राइस कैसे, वाओ जबरदस्त, ये बटर चेक कर रही हूँ बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें जाएगा सारा मीट, ये देखिए जी इसमें ये सारा इसमें जाता है, जबरदस्त। अब हम इसे देंगे दम, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं तो करूँगी करंड ऐड क्योंकि इसका टेस्ट बहुत यमी वाला आएगा, साथ ग्रीन चिलीज करूँगी। और इसे हम दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ओके, तब फिर मिलते हैं आपसे, चेक करते हैं। देखिए जी माशाल्लाह सही रेडी हो चुका है, स्मोक भी करे। अब हम इसे करते हैं डिश और फिर मिलते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह गाइस, मेरा पिशावरी बीफ पुलाव हो चुका है रेडी, इतना यमी और इतना डिलीशियस है क्या बताऊं। और इसमें इतनी खुशबुएं आ रही है मेरे किचन से और अभी गर्मा गर्म है ये आप सबके लिए। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। वाओ, स्मोक देखिए इसका, और स्मोक ये जबरदस्त, ये देखिए साथ रेड वाली चिली जबरदस्त, और बीफ भी हमारा अच्छी तरह हो चुका है टेंडर, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी तरह टेंडर हुआ है, देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट वाला बाइट आप सबके नाम, ओके, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली के नाम, ओके, इसमें एक चटनी वाला बाइट, ये आप सबके नाम शक्कर के नाम। आजाद साहब ने दुआ मांगी पाकिस्तान जीत जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जीतेगा जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। और गाइस इतना यमी बना है, साथ मैंने सैलेड रखा है, कोकम्बर रखा है, रेडिश रखी है और
बहुत ही मजे की यमी वाली चटनी जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने कोरिएंडर और मिर्च ऐड किया, ग्रीन चिली एक दो ली थी और साथ वो लिए थे मैं गार्लिक के एक दो कलियां डाली थी। इतनी मजे की यमी वाली ग्रीनिश योगर्ट के साथ चटनी भी रेडी हो चुकी है। आए आप सब भी मेरे साथ खाएं, बहुत मजे का बना है। आपके नाम क्या खाया, आपने जरूर इंजॉय किया होगा मेरे बाइट को। गर्मा गर्म मजेदार बीफ पुलाव बाइट, वो भी पिशावरी, बहुत जबरदस्त। ओके गाइस, अब आपसे चाहती हूँ इजाजत। इंशाल्लाह कल एक और नई मजे की डिलीशियस डिश लेके फिर आ जाऊंगी। तब तक लिए मुझे शक्कर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाक आर्मी। बाय बाय, टाटा।